तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं लिया हूँ एक सेकेंडरी मोबाइल, जो कि मैं आप लोगों का आज अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। ये है सेकेंडरी मोबाइल, जो कि गाइज मैं स्पेशल बोल सकते हो ब्लॉगिंग के लिए लिया हूँ, क्योंकि गाइज आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे पास एक गोप्रो भी है, लेकिन उससे मैं अब ज़्यादा शूट नहीं करता हूँ। बहुत ही दिक्कत है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप गोप्रो है आपके पास, अगर आप शूट करते हो तो आप लोगों को पता भी होगा कि उसमें मेमोरी कार्ड लगते हैं, फिर मेमोरी कार्ड को निकालना, फिर कॉपी पेस्ट करना, फिर उसके बाद एडिटिंग करना, बहुत ही ज़्यादा तामझाम होने के कारण मैं ये मोबाइल को लिया हूँ। ये है आईक्यू 7 लेजेंड, जिसका ओरिजिनल प्राइस है, अगर आप अमेजोन में देखोगे तो उसमें आपको लगभग 40,000 में ये मिल जाएगा, लेकिन मैं इसे 29 कुछ समथिंग में लिया हूँ, मतलब 30,000 का अराउंड में लिया हूँ इस मोबाइल को। और ये पूरा का पूरा न्यू है, ये अमेजोन से मैं मंगाया हूँ। तो आप लोगों को पता चल ही गया हो कि ये मुझे 30,000 में कैसे मिला है। तो जी हाँ, ये एक रीन्यू मोबाइल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमेजोन में रीन्यूड प्रोडक्ट भी मिलते हैं, इसमें गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो रीन्यूड प्रोडक्ट होते हैं, ये एक्चुअली जो भी अगर आप मोबाइल मंगाते हो अमेजोन से, अगर कुछ भी उसमें ख़राबी निकल जाती है तो आप लोग उसे रिटर्न कर देते हो। तो वही रिटर्न जो करते हो तो गाइज उसी मोबाइल को बनाकर जो आप लोग रिटर्न करते हो उसको रीन्यूड करके फिर से ये लोग कम दाम में बेच देते हैं। तो उसी में मैं ये मंगाया हूँ। मैं ज़्यादातर लगभग आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मैं ज़्यादातर रीन्यूड प्रोडक्ट ही मंगाया हूँ। जैसे कि मैं गोप्रो भी रीन्यूड ही मंगाया था, और जो मैं मोबाइल से अभी ये शूट कर रहा हूँ, ये है S20 FE 5G, ये भी रीन्यूड है, और ये आईक्यू 7 लेजेंड, ये भी रीन्यूड है। तो इसी का आज मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या आप लोगों को दिक्कत है, रीन्यूड प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। सर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में कि आपको रीन्यूड प्रोडक्ट लेना भी चाहिए या नहीं। तो मेरा ये चौथा प्रोडक्ट है लगभग रीन्यूड का, तो कोई भी प्रॉब्लम अभी मुझे फेस नहीं हुआ है जितने भी मैं रीन्यूड प्रोडक्ट को यूज किया हूँ। तो आज फिर से मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रीन्यूड प्रोडक्ट को। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे गाइस आप बॉक्स का पैकेजिंग देख रहे हो, सेम वैसे ही है जैसे आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट मंगाते हो अमेजोन से, पैकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, देख सकते हो आप। तो चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो फाइनली गाइस, हमारा बॉक्स का पैकिंग जो है कुछ इस तरह का है, और आपको फ्रंट में है रीन्यूड लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर ये बिल से देख सकते हो, ये है बिल। तो आपको इसमें 6 मंथ का गारंटी मिलता है, वारंटी मिलता है, जो भी मिलता है आपको, देख सकते हो यहाँ पर, और 6 मंथ का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी इसमें गारंटी दिया हुआ। बाकी आप इसका प्राइस देख सकते हो, 30,000 है। तो चलिए, सो सबसे पहले गाइज आप देख सकते हो इस बॉक्स को किस तरह फिट से सील्ड किया गया, क्योंकि सील्ड तो रहेगा नहीं क्योंकि ये रीन्यूड प्रोडक्ट है। तो इसको दोबारा सील्ड करके फिर से इसे पैक किया गया, और देख सकते हो किस तरह से ये सील्ड है। तो आइए इसे अनसील्ड कर देते हैं। उसके बाद ये देखो, आपको बॉक्स में थोड़ा मोरा स्क्रैच मिल जाएगा, अभी से नज़र आ रहा है मुझे, और ये देखो यहाँ से मिटा हुआ है, ये नीचे में BMW का जो एडिशन लिखा हुआ है ये मिटा हुआ है। बाकी बॉक्स में तो ठीक है, वैसे ही बॉक्स है, और ये BMW एडिशन है, देख सकते हो आप, ये तो ये लोगो लगा हुआ है। अब चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, तो काफ़ी खूबसूरत आपको बॉक्स का डिज़ाइन मिल जाता है, और बाकी ये देखो मैनुअल बुक, तो इसे मे भी यूज नहीं किया गया, देख सकते हो सेम वैसे ही है। ये देखो, बाकी ये देख सकते हो एसी में इजेक्टर आपको 2 रुपया मिल, 1 रुपया अलग मिलते हैं, मे भी वो रख लिया होगा जो इसे मंगाया होगा। बाकी ये देख सकते हो मैनुअल बुक में आपको एक बार भी निकाला नहीं गया है। चलिए फिर से मैं इसे अंदर डाल देता हूँ। अब उसके बाद आ जाता है ये मोबाइल, तो देख सकते हो फिर से इसे पैक किया गया है। उसके बाद गाइज आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाते हैं, जो कि ये एक भी यूज नहीं हुआ, देख सकते हो एक बार भी
मुझे तो लग रहा है कि एक बार भी ये यूज़ नहीं है। हाँ देख सकते हो, ये तो अभी तक ये येलो हो जाता है। बाकी आप देख सकते हो आइको BMW का लोगो लगा हुआ है। चलिए इसे साइड रखता हूँ, ये तो वो यूज़ है नहीं। अब चार्जर देखता हूँ, ये देखो चार्जर भी न्यू लग रहा है। ये देखो है ना, सिर्फ एक बार यूज़ किया गया होगा, बाकी इसे फिर से रिटर्न कर दिया गया है। बाकी आप देख सकते हो 66 वाट का ये चार्जर मिल जाता है आपको, एकदम ओरिजिनल चार्जर है, कोई भी दिक्कत नहीं है चार्जर में भी। और केबल भी देख सकते हो, ये भी ओरिजिनल ही है। ये देखो बस इसे निकाला गया एक बार, बाकी आप देख सकते हो ये एकदम न्यू है। चलिए अब मोबाइल दिखाता हूँ आपको, ये तो हो गया आपको एसेसरीज, बाकी कुछ भी नहीं। फिर ये देखिए दो दो सिम इजेक्टर टूल रख दिया है। कोई नहीं, चलिए। देख सकते हो गाइस, ये है हमारा मोबाइल और यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है। ये देख सकते हो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और बिफोर ओपनिंग दिस प्रोडक्ट एंड सेंड पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, इसे व्हाट्सएप करना होगा इसे ओपन करने से पहले। तो चलिए मैं पहले व्हाट्सएप करके आता हूँ, उसके बाद इसे भी दिखाता हूँ आपको। फाइनली गाइस मैं व्हाट्सएप कर दिया हूँ। अब चलिए इसे मैं यहाँ से शील्ड ओपन कर ले देता हूँ, देख सकते हो। ये आ गया हमारा मोबाइल और ये क्या गिरा। ये आ गया मोबाइल और देख सकते हो गाइस, मुझे तो एक भी स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। बाकी आप देख सकते हो कैमरे में एकदम न्यू है। और बाकी आप साइड भी फ्रेम दिखा देता हूँ आपको, मेटल फ्रेम है साइड का। बाकी आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, एक भी स्क्रैच नहीं है। ये देखो मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। तो चलिए आप जल्दी से इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, ये हो गया ऑन। बाकी गाइज आप देख सकते हो एक भी सिंगल स्क्रैच भी नहीं है, एकदम जैसा आपको न्यू मिलेगा वैसा ही है ये। तो ये जब तक ऑन हो रहा है तब तक मैं आपको एक इस ट्रांसपेरेंट कवर को लगा कर दिखाता हूँ आपको। ये देखो तो मोबाइल तो ऑन हो गया है और ये देखो BMW का कवर। चलिए कार तो नहीं चला सका, मोबाइल तो चला रहा हूँ एक लोगो लेकर। बाकी आपको मैं ये सेटअप करके दिखा देता हूँ और ये देखो इसका लुक कुछ इस तरह से आपको निखर के आएगा। फाइनली गाइस हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये देख सकते हो आप साइड व्यू, अभी तो स्क्रीन में एक भी दिक्कत नज़र नहीं आ रहा। और नीचे में देख सकते हो पोर्ट सी टाइप पोर्ट है और डुअल स्पीकर है। बाकी मैं कवर को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये है सिम ट्रे, इसे भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो इसमें दो नैनो सिम लगेगी, मेमोरी कार्ड लगाने का जगह नहीं है। बाकी आप देख सकते हो ये है। तो मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नज़र नहीं आया, बाकी देखता हूँ कुछ भी अगर दिक्कत होते हैं तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना देता हूँ आप। बाकी आप देख सकते हो। चलिए मेरे नसीब में सब अच्छा ही रिन्यूड प्रोडक्ट लिखा हुआ है। बाकी आप मंगवा के देख लेना एक बार, आपको पसंद आए तो ठीक है। बाकी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय।